श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ने डीग जिले के पुंछरी का लोटा पहुंचकर मुखारविंद का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें कृष्ण गमन पथ को विकसित करेगी। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट तक जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। इस ब्रज भूमि से और गिरिराज जी से प्रदेश के सभी भाई बहनों को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है,